वीडियो को साथ के साथ शेयर करते हैं। ये दृश्य आपको बता दूं, इस समय दृश्य आपके लिए बोड़ी से सामने कर रहे हैं। आखिर बोड़ी में अजीत सिंह ट्रांसपोर्ट के चेयरमैन हैं, उनकी अनुमति के बिना एक मैसेज जो है वो फ्लैश किया गया, यानी कि आज तालाब तिल्लों में जो है वो गाड़ियां रोकी जाएंगी, यानी कि ई बसेस को रोका जाएगा। उसके बाद पुलिस प्रशासन की टीमें जो है वो यहां पे पहुंची हुई है। आखिरकार किस तरह से और ये संदेश बिना चेयरमैन की मर्जी से किस तरह से जो है वो साझा किया गया, इस पे भी चेयरमैन अजीत सिंह को जो है ध्यान देना होगा कि अगर कल तक सब कुछ ठीक था, फिर आज यहाँ यानी कि तालाब तिल्लों बोड़ी में इस तरह का संदेश फैलाने वाले लोग कौन थे। और उसके बाद आप देख सकते हैं हर एक शख्स जो है वो यहाँ पे पहुंचा हुआ, तो देख सकते हैं खुद एसएचओ साहब जो है वो यहाँ मौके पे पहुंचे हुए हैं, क्योंकि काफी ज्यादा संदेश जो है वो वायरल हो रहा था। उसके बाद गाड़ियां जो है वो यहाँ से हटाई गई। आखिरकार ट्रांसपोर्टरों में जो चेयरमैन है उनकी अध्यक्षता में कोई भी मैसेज जो है वो वायरल होना चाहिए, फिर किस तरह से एक संदेश जो है वो सारी मीडिया द्वारा भेजा जा रहा था और लोगों को यहाँ पे बोला गया था आने के लिए। अब ये पुलिस जो है इस पे जांच कर रही है और इसके चलते अजीत सिंह से भी यहाँ पे जो है वो बात की गई है कि किस तरह से एक कोई आता है और यहाँ पर सीधा प्रदर्शन के लिए यहाँ पर संदेश जो है वो वायरल कर देता है। और उसके बाद आप देख सकते हैं ऐसे जो दोवाना जो है वो यहाँ पहुंचे हुए हैं लोगों से यहाँ बात करते हुए। साथ के साथ शेयर करते हैं ये सीधी तस्वीरें इस समय बोड़ी से आप तक साझी करते हुए। आखिरकार ट्रांसपोर्टरों के चेयरमैन के होते हुए कौन शख्स है जो इस तरह का संदेश जो है वो वायरल कर रहा है कि आज यहां पर जो है वो प्रदर्शन होना है। ये बात पुलिस तक सूचना पहुंचते ही पुलिस जो है वो मौके पे पहुंच चुकी है। क्या ट्रांसपोर्टरों में अपने चेयरमैन से बिना पूछे ही इस तरह के संदेश जो है वो वायरल किए जाते हैं, जिसे पुलिस ने जो है काफी संजीदगी से लिया है, क्योंकि काफी ज्यादा व्यस्त चौक जो है ये तालाब तिल्लों का रहता है और उसी बीच इस तरह का संदेश वायरल होना यानी कि यहाँ पर प्रदर्शन करना। बोड़ी चुंगी का ये एरिया जो है आप तक साझा करते हुए आप देख सकते हैं चप्पे चप्पे पे सुरक्षा जो है वो कड़ी की गई है और खुद दोबाना एसएचओ जो है वो मौके पे पहुंचे हैं ताकि हम लोगों को यहाँ कोई परेशानी जो है वो ना हो। उसके चलते अब यहाँ पे जांच जो है वो की जा रही है और लोगों को और गाड़ियों को जो यहाँ गाड़ियां लगी हुई है उन्हें जो है वो मौके से हटाया जा रहा है। तो चेयरमैन अजीत सिंह जी से भी अपील रहेगी कि इस मामले की जांच जो है पूर्ण रूप से करें कि आखिरकार किनके द्वारा ये संदेश जो है वो भेजा गया कि यहाँ पर प्रदर्शन होना है, या फिर किन बातों से यहाँ पर ड्राइवर्स या फिर मेटाडोर चालकों को बुलाया जा रहा था, किस तरह से ये संदेश जो है वो यहाँ पर पहुंचा हुआ है। फिलहाल एसएचओ आप खुद देख सकते हैं मौके पे यहाँ पर, ताकि इस तरह की कोई भी बात यहाँ पे ना हो उसका जायजा ले रहे हैं और लोगों को यहाँ गाड़ियां बंद होने के चलते कोई भी परेशानी जो है वो ना हो इसका ध्यान रखते हुए। तो अपील ट्रांसपोर्ट के चेयरमैन से भी रहेगी कि आखिरकार जांचे कि ये मैसेज जो है किसने वायरल किया और किस तरह से यहाँ पर पुलिस जो है वो पहुंची हुई है। हालांकि मैं फिर बता दूं कि यहाँ के दोवाना एसएचओ द्वारा अजीत सिंह से भी बात की गई है, मगर उनके द्वारा इसकी पुष्टि जो है नहीं की गई। मगर अजीत सिंह से भी अपील रहेंगे कि वर्तमान में भी इस चीज को ध्यान में रखें, क्योंकि मेटाडोर्स हो या फिर अन्य गाड़ी हो, यानी कि ऑल जे एंड के वेलफेयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के आप चेयरमैन हैं, फिर कौन आपकी अनुमति के बिना जो है वो इस तरह के संदेश वायरल कर रहे हैं और लोग जो है वो यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं। और पुलिस को अपना काम काज छोड़ और खुद दोवाना एसएचओ आप देख सकते हैं मौके पे यहाँ पे हर एक गाड़ी पे निगरानी रख रहे हैं, ताकि जिस तरह का मैसेज जो है वो वायरल किया गया कि यहाँ पर किसी तरह का कोई प्रदर्शन किया जाएगा, कारण क्या रहे, पूरी बातचीत के बाद ही उस तरह आप अपना संदेश जो है वो वायरल करें। फिलहाल आप आम जनता जो है कमेंट्स में अपनी राय जरूर साझा करें। देखते रहे जेके चैनल, मुझे महेंद्र जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाजत, नमस्कार।